दोस्तों आपको मेरे बगल में जो स्क्रीन पर दोस्तों जो मेरा वीडियो दिख रहा है टिकटॉक का, उसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों मेरा डीपी जो है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि दोस्तों इस पास से उस पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह का ट्रांसपेरेंट वीडियो बनाना है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, तभी दोस्तों आप इस तरह के वीडियो को बना सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप मुझे नहीं जानते तो बता दो दोस्तों, मेरा नाम है सीमांत और आप देख रहे हैं टेक सीमांत चैनल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोस्तों वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सीधे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको वहीं पर मैं बताता हूँ कि दोस्तों आप इस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको रिमूव इरेज एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्तों आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना है कि आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है अपना। जैसे दोस्तों मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, दोस्तों आपको भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो कि दोस्तों मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया। दोस्तों आप ओके में क्लिक कर देना है, उसके बाद डन में दोस्तों आपको क्लिक करना है। डन के दोस्तों ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह मैनुअल साइज थोड़ा बढ़ा लेना है। जैसे दोस्तों मैं मैनुअल साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो को पूरी तरीके से इरेज कर लेना है। दोस्तों इसे अच्छी तरीके से इरेज कर लेना है, जैसे दोस्तों आपका फ़ोटो दिखे नहीं। तो दोस्तों मैं इसे पूरी तरीके से इरेज कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इसे इरेज कर लेता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से। दोस्तों आप भी अपने अनुसार दोस्तों आपको इरेज कर लेना है, जिससे दोस्तों आपको अपना फोटो दिखे नहीं। तो दोस्तों मेरा फोटो दोस्तों अच्छी तरीके से इरेज हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको डन का ऑप्शन उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फोटो को सेव कर लेना है। दोस्तों बस आपका फोटो को सेव कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना चले जाना आपका टिकटॉक एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों मैंने अपना टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको मी में चले जाना है, अपना एडिट प्रोफाइल में सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको चेंज फोटो में जाना है, फिर सेक्ट फ्रॉम ग्लेरी करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो इरेज किया फोटो, उस फोटो का आपको ले लेना है। तो दोस्तों उस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप सेव में क्लिक कीजिएगा तब दोस्तों आपका फोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो कैसे बना है और दोस्तों मेरा डीपी में क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों अभी आप देख सक रहे हो कि दोस्तों मेरा डीपी चेंज हो गया। आपको दोस्तों मेरा डीपी दोस्तों ट्रांसपेरेंट हो गया है। दोस्तों मेरा जो डीपी दोस्तों आपको आर पार दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।